गुड मॉर्निंग मेरे भाई, वेलकम टू वीक 6। वीक 5 हमारा बहुत छोटा था, जिसमें आप लोग की कंप्लेन आई कि प्रिंस भाई वीक 5 बहुत छोटा है। मेरे भाई वीक 12 तक ना अगर मैं छोटे क्लिप्स बनाऊंगा तो ही वो बेटर रहेंगे, क्योंकि ये जो टाइम है ये लेवल 2 का टाइम है। और अगर आपने वीडियो देखी है लेवल 2 की, तो लेवल 2 हमारा सबसे डिफिकल्ट फेज रहता है इस नोफैप जर्नी में, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेन रिवायरिंग है ना वो स्टार्ट होती है। फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। वीक 6 में मैं आपको एक ऐसी मेडिटेशन देना चाहता हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी और अभी आप 2 मिनट में सीख जाओगे। बस इस पे आपको अपना फोकस कंसंट्रेशन रखना है, आंख बंद करके भी ट्राई करना है और आंख खोल के भी ट्राई करना है। मेडिटेशन में सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप सांस ले रहे हो, मेरे साथ एक सांस लो। ऑलराइट, जब हमने सांस ली तो देखना हमारे जो दोनों आईब्रोज है ना, यहाँ पे एक सेंसेशन फील होती है, क्योंकि जब एयर हमारे नोस्ट्रिल के अंदर जाती है तो वहाँ पे एक सेंसेशन क्रिएट करती है। फिर जब हम सांस रिलीज करेंगे तो एयर उस पैसेस के जरिए बाहर आती है, जिसकी वजह से एक सेंसेशन फील होगी। तो ये जो सेंसेशन है ना, इसको आपको फील करना है, ये ध्यान में बैठ के करना है, मेडिटेशन पोस्चर पे बैठ के करना है। बिगिनर्स के लिए, जब आप इसको करते रहोगे कभी कभी नींद आएगी, रात के टाइम करोगे नींद आएगी, आप सो भी जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सो जाए कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे करके ना आपको एक आदत बन जाएगी वहाँ पे फीलिंग लेने की, वहाँ पे सेंसेशन लेने की। अब टाइम के संग क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जैसे आप दिन में कोई काम करोगे ना, अब फ्री टाइम हो, अब मन भागा है, मन कहीं टिका नहीं रहता है, तो वो या इंस्टाग्राम पे जाएगा, रील्स देखेगा, गाने सुनेगा, डांस की वीडियोस देखेगा। यहाँ पे आपका जो मन भटक रहा है ना, ये इस वजह से भटक रहा है कि मन को एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। और डायरेक्शन आप क्यों नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि अल्टीमेट मन एक जगह पे लगना चाहता है। अब यहाँ पे मेडिटेशन करने पे, यहाँ पे फोकस करने पे फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। जो आपका फोकस है ना वो यहाँ पे लगता रहेगा, आपकी जो आईज हैं वो छोटी होती जाएंगी, आपको रिलैक्सेशन फील होगा, अल्टीमेट बोलूँ तो पीस फील होगा, घबराहट वगैरह नहीं आती है इससे। मैंने जो समझाया है, अगर आप इसकी ये प्रैक्टिस करते रहो आंख बंद करके, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप आंख खोलोगे और आप उस जोन में रहोगे, आपका जो मन भटकना है ये इधर उधर ना जाके एक फोकस पे रहेगा। एक ये एक्सरसाइज है जिसे मैं मेंटल एक्सरसाइज कहूंगा, या मेडिटेशन के आप फेज में ले लो, कुछ भी ले लो। मैं इतना फोकस नहीं रखता हूँ कि मैं इसे मेडिटेशन बोलूँ या जस्ट मेंटल एक्सरसाइज बोलूँ, क्योंकि वर्ड्स हम कई सारे बना लेते हैं, मेन जो फायदा होता है उस प्रोसेस को फॉलो करने से होता है। इसका एक अल्टरनेट भी होता है, जो बंदे ज्यादा रिलीजियस हैं वो नाम जप कर सकते, नाम जप में भी यही होता है। इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाले वीक्स में बता दूं। लेकिन ये जो चीज है ना, ये नास्तिकों के लिए है, ये नास्तिकों के लिए हेल्प करेगी, बिकॉज रिलीजियस जो पर्सन है उसका ब्रह्मचर्य जल्दी नहीं टूट सकता, क्योंकि वो एक अपनी स्ट्रीक में है, एक पॉजिटिव, एक डिवाइन एनर्जी उसके मन में रहती है, उसको शांति प्रोवाइड करती है, तो उसका मन नहीं भटकेगा। लेकिन जो बंदे रिलीजियस नहीं हो पा रहे हैं, रिलीजन भी जो होता है ना ये अंदर से आता है, जरूरी नहीं है कि बाहर से ही आए, है ना। मैं आपको बोलूं 1000 रिलीजियस मूवी देख नेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप रिलीजियस बन जाओ, क्योंकि एक टाइम आता है, एक एक्सपीरियंस आता है एज के संग जो आपको रिलीजियस बनाता है। और जब तक आप रिलीजियस नहीं बन रहे हो, अगर आप साइंटिफिक बनते हो, नास्तिक हो, या आप खुद के एक्सपीरियंस पे बिलीव करते हो या साइंस फैक्ट पे बिलीव करते हो, तो जस्ट डू दैट एक्सरसाइज। ये कोई मुश्किल नहीं है, जिन्हें मेडिटेशन में बैठना भी नहीं आता है वो भी अगर कभी फ्री टाइम में बैठे हैं, मैं इनफैक्ट कह रहा हूँ अगर तुम रील्स भी देख रहे हो, कोई वीडियो भी देख रहे हो, तो भी अपने थर्ड आई पे वहाँ पे फोकस रख देखना, तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे मन में एक ऐसी शांति आती जाएगी कि तुम्हें मन ही नहीं करेगा कुछ गलत करने का। इनफैक्ट तुम नम पड़ते जाओगे और उस नमनेस में एक पीस का एहसास आपको आता जाएगा। ये मेरी खुद की करी हुई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वो मेडिटेशन टेक्निक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जागते हुए भी आपका फोकस रहेगा, आपका जो मन है वो इधर उधर नहीं भटकेगा। मैं दूसरा जो अल्टरनेटिव है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है नाम जप। नाम जप में इश्यूज क्या आते हैं कि हम अगर मन में कोई नाम दोहरा रहे हैं ना, तो हमारा जो फोकस है वो नाम में ही लगा रहेगा, और हम अगर कोई पर्सन आ गया बिजनेस में, अब हमें उससे डील करना है, तो हम अपना फोकस पूरा उस पे नहीं दे सकते। लेकिन जब आप ब्रेथ पे फोकस करते हो तो आप दूसरे की बात भी सुन सकते हो, दूसरे की बात पे रिस्पॉन्स भी कर सकते हो, और खुद के एक प्राइवेट जोन में भी रह सकते हो जहाँ पे आपको दूसरे की एनर्जीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये खासियत है इस मेडिटेशन की, जो आप किसी भी फॉर्म में इसको ले सकते हो, आप इसे विपासना भी कह सकते हो। मैं नहीं बोल सकता इसको क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है कि इसको बोलते क्या है,
लेकिन मैं मेडिटेशन बहुत टाइम से करता हूँ, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की करी है, तो मुझे एक्सपीरियंस जो होते रहते हैं मैं उसके बेसिस पे मैंने ये चीज डिस्कवर करी है। तो अभी आप इसको कुछ भी कह सकते हो, और ये मैं इसका कह सकता हूँ कि इसका कोई नाम जरूर होगा, बिकॉज हमारे जो ऋषि मुनि थे वो जिस स्टेज में मैं हूँ उससे वो बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं, आज के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे हैं, तो उनको ये एक्सपीरियंस होते रहते हैं। तो आई एम श्योर कि इस मेडिटेशन का कोई नाम होगा, बट आप नाम पे उतना फोकस मत करो, जो टेक्निक है आप उस पे फोकस करो। ये जो वीक 6 है ना, यहाँ पे ये आदत डाल लेना, क्योंकि यहाँ पे मन भटकेगा, ध्यान रखना, बोरनेस फील आएगी, लेजीनेस आएगी, क्योंकि ये लेवल 2 चल रहा है और लेवल 2 हमारा थोड़ा सा बोरिंग रहता है। इस वजह से लेवल 12 तक ज्यादा उम्मीद मत रखना कि बहुत लॉन्ग वीडियोस आएंगी। एक्चुअली मुझे ये टॉपिक यहाँ पे समझाना था जिसकी वजह से ये थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग बन जा रही है, अदरवाइज जितनी वीडियोस आएंगी मैं कोशिश यही करूंगा कि आई वॉन्ट कि वो कम से कम बने, कम से कम लेंथ हो, लेकिन क्वांटिटी ना हो, टाइम ऑफ क्वांटिटी ना हो, क्वालिटी हो उसमें, बेसिकली मेरा ये कहना है। बिकॉज ये जो मेडिटेशन टेक्निक है ना, जब मैं दुकान पर बैठता हूँ मैं शांत रहता हूँ, मैं मेरी ब्रेथ पे फोकस करता हूँ, वहाँ सेंटर पे फोकस करता हूँ। हाँ, अब थोड़े से प्रिकॉशंस बता दूँ इसमें कैसे कैसे लेना है, वरना अगर आप करोगे तो फोकस पता लगे या ना लगे, तो ये समझो ये जब आप कर रहे हो ना तो आपका जो फोकस है वो थर्ड आई पे रहे, आंखें खुले भी हैं तो भी थर्ड आई पे रहे। अब ये पता कैसे चलेगी हमारा फोकस लग रहा है कि नहीं, आपकी जो आंखें हैं ना वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, थोड़ी थोड़ी छोटी होती जाएंगी, जैसे आपने शिव भगवान की आंखें देखी होंगी, वो आधी खुली रहती है आधी ओपन रहती है। तो अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस होने लग रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हाँ, आपकी जो मेडिटेशन सही जा रही है। कभी कभी जब आपका जो फोकस है वो हटेगा तो तुरंत आप एक लंबी सांस ले लोगे, तो उससे क्या रहेगा, बॉडी में फटाक से एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी। क्योंकि मेडिटेशन जब आप करने बैठते हो तो आपको आलस आएगा, क्योंकि जो आप ब्रेथ है उसको स्लो स्लो करते जा रहे हो, एक दिखाता है कि हाँ ये हम बढ़िया डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मेडिटेशन आपकी बेस्ट हो रही है। और जब आपको एनर्जी चाहिए तो तुरंत आप एक लंबी सांस ले सकते हो, एनर्जी अपने आप आ जाएगी, इनफैक्ट आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नेचुरल होता रहेगा, समझे। तो ये प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशन नंबर 1 कि जब आप फोकस रख रहे हो ना उस एरिया पे, तो वहीं पे फोकस रखो, नोज के ऊपर से नीचे यहाँ तक फोकस रहे, थर्ड आई से लेके ब्रेथ तक फोकस रहे, और ज्यादा कहीं फोकस ना जाए, ठीक है, ऐसे क्या रहेगा ना। और फोर्स नहीं करना है, जितना कर पा रहे हो उतना कर पा रहे हो, दिन में कभी भी याद आ जा रही है तो इसको फोकस करना है वहां पे। ये दिन भर आप मेडिटेशन कर सकते हो, ये ऐसी मेडिटेशन है, समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर टाइम पे बैठना नहीं है। अगर दोपहर में खाली टाइम पे बैठे हो चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बजे 2 बजे 3 बजे दोस्तों के संग खेल रहे हो, मान लो क्रिकेट खेल लो, चलो स्टूडेंट्स के लिए बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लंच में हो, आधे बच्चे उधर मस्ती कर रहे हैं, तुम्हारा मन नहीं है मस्ती करने का, तो आराम से कहीं बैठ के अपना लंच कर रहे हो और ये मेडिटेशन भी कर रहे हो, तो इससे क्या रहेगा ना, तुम्हारी जब आंखें छोटी होंगी ना तो जो तुम्हारा फोकस एरिया रहता है वो एक जगह पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूरे कमरे में लाइट बंद कर दूं और एक ब्राइट लाइट ऑन कर दूं तो फोकस वहीं पे रहेगा ना, ऐसे इस मेडिटेशन में भी रहता है। आंखें छोटी होती हैं तो आपने देखा होगा धीरे धीरे वो जो एक फोकस एरिया होता है वो छोटा हो जाता है, वो ब्रॉड नहीं रहता, आपका मन हर जगह नहीं भटकता है, तो ये फायदा रहता है। एक्चुअली करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से कर पाओगे। जो हमारे पुराने रूल्स है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, टेम्पल जाना, 20 रुपीज, ये सेव करते रहना, वॉलपेपर आपको मिल जाएगा कम्युनिटी में भी और ग्रुप में भी। यही था हमारा वीक 6। वीक 7 नेक्स्ट वीक मैं आपको देता हूँ।